माता, ये जगत आपकी ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए, उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु, 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 हे राम, प्रभु, प्रभु, रक्षक, प्रभु, प्रभु, हे राम, जय श्री राम, प्रभु, हे राम, जय श्री राम। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है, वो दूसरों को ही नहीं स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था, तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्ष स्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हां, ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप
शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा। किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी। प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा, प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। प्रभु इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु यदि ये लोग माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु। प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंपन देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि आप चाहते हैं
कि माता सीता सकुशल रहे। तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए। प्रभु आप सचेत हो गए हैं तो अब प्रलय का संकट भी टल जाएगा। माता सीता भी शांत हो जाएंगी। सीता कहाँ है? सीते सीधे इस रूप में हनुमान। सीते सीते यदि प्रभु श्री राम माता के इस प्रलयंकारी तांडव को शांत नहीं कर पाए तो ग्रह आपस में ही टकरा जाएंगे, सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। किंतु देवराज, माता तो अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठी है, कहीं श्री राम के साथ ही कुछ अनिष्ट। ये मंगल ग्रह एवं शनि ग्रह तो आपस में टकराने वाले हैं। हनुमान ने अभी तो स्थिति संभाल ली,
किंतु ना जाने आगे क्या होने वाला। अब तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा से हटने लगी है। यदि शीघ्र ही माता का कोप शांत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता ने महारौद्र रूप धारण कर लिया है। सभी ग्रहों को ले जाएंगी माता। माता का तांडव तो प्रचंड हो गया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह तांडव से उपजे बवंडर की चपेट में आकर टकराकर नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पर भी संकट आ सकता है। सीते, 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 मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा। शक्ति उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुके हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागी देवी और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए देवी, त्याग दीजिए। आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभव कार्य आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान देवी? मेरी तो मात्र दो ही प्रबल इच्छाएं हैं।
प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करें। मैं महाशक्ति हूं किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये आभा कैसी? कहीं कोई अनिष्ट? नहीं 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 नहीं, अब सब कुशल और मंगल मैं ही होना चाहिए। सीते मेरी प्राण वल्लभा, स्वामी मेरे हृदय के देवता, अश्रु जान की नैन जो टपका, पूर्ववत भयो शतानन लोका,
स्नेह में भावुक सिया रघुराई। सबहु देव पुल कित हर साई। देवेश्वरी, ये शाश्वत सत्य है कि पवित्रता स्त्री के नेत्रों से छलकने वाले दुख के अश्रु संसार में प्रलय ला सकते हैं, जैसा कि शतानंद के इस लोक में एवं लंका में हुआ, और वही सुख के अश्रु संसार को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। पवित्रता का कोप संसार को विध्वंस कर सकता है, तो प्रेम एक नवीन सुख में संसार का सृजन भी कर सकता है। ये देखो, ये सुंदर हरी घास, ये शतानन के इस भयंकर लोक में इतना मनोहारी परिवर्तन। ये देखो, हमारे आहत होने के चिन्ह भी चले गए। प्रभु श्री राम की, 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 माता जानकी की, माता जानकी की। प्रभु, आपके कारण हम सबको संसार से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके एवं माता के अद्भुत पराक्रम के साक्षी बनकर हम धन्य हो गए। प्रभु प्रभु, आप दोनों को कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम और माता सीता को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। कल्याणस्तु। प्रभु, कुछ समय पूर्व शतानंद का जो लोग हयावह प्रतीत हो रहा था, अब स्वर्ग की भांति सुंदर एवं शांत दिखाई देने लगा। प्रभु का आशीर्वाद और धर्म पथ पर चलने वाले भक्त जहां पहुंच जाएं, वो स्थान नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जहां प्रभु श्री राम और देवी सीता स्वयं उपस्थित हो, वो स्थान तो स्वर्ग ही बन जाएगा ना। उस अधर्मी का समूल नाश हो चुका है, अब समय आ गया है लंका लौट चलने का। प्रभु, प्रभु के वनवास की अवधि समाप्त होने को है। अवश्य ही प्रभु एवं माता लंका से अयोध्या को प्रस्थान करने के लिए
सज्जित हो रहे होंगे, किंतु किंतु माता और प्रभु हैं कहाँ? प्रभु, प्रभु, प्रभु! तो वहां है प्रभु माता के साथ। अंत भला तो सब भला, किंतु प्रभु के श्री मुख पर अभी भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों चिंतित हो रहे हैं मेरे प्रभु? हाँ, बड़ा आनंद आएगा, मुझे आशा है प्रभु अवश्य इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। किंतु महाराज, प्रभु से ये बात कहेगा कौन? मैं हनुमान से बोलता हूँ, वो प्रभु से बात करेंगे। हाँ हनुमान, ये हनुमान कहाँ गए? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, आपको चिंतित प्रतीत हो रहे थे, यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हो। प्रभु, तो फिर आप मुझसे मत छिपाइए, कृपया करके मुझे बताइए वो क्या है जिसने मेरे प्रभु को चिंतित कर दिया। हनुमान, ये चिंता तुम्हारे प्रिय प्रभु राम की नहीं है, ये चिंता अयोध्या के होने वाले राजा राम की है। एक साधारण नर के उत्तरदायित्व और एक राजा के उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है हनुमान। राजा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। प्रभु, आपका नाम ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को सुगम्य कर देता है, फिर आपको कैसी चिंता? हनुमान, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुझे अनेकों उत्तरदायित्व संभालने होंगे, अनेकों राज धर्म निभाने पड़ते हैं एक राजा को, जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। प्रभु, संसार साक्षी है कि आपने अपना पुत्र धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म भली भांति निभाया है, तभी तो सब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, फिर आप राज धर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हनुमान, एक अच्छा राजा वही होता है जो स्वयं को प्रजा का शासक नहीं सेवक समझे, राजा के लिए सुख वैभव भोगना बहुत सरल है, किंतु वास्तव में राज धर्म निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है हनुमान। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, देवी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि मुझे उनकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु संसार को दिखाने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भविष्य में मुझे भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। प्रभु, आपका ये तुच्छ सेवक इतना अवश्य जान गया है कि मेरे प्रभु के राजकाज को ये संसार सदियों तक स्मरण रखेगा। राम राज एक सुखमय राज का परिचायक होने वाला है। ऐसा तुमने कैसे जान लिया? किंतु माता, जहां का राजा राजा बनने से पूर्व ही राज धर्म की, प्रजा के सुख दुख की चिंता करने लगे, माता, तो ये निश्चित है कि उनके राज में प्रजा सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम माता।
स्वर्ग के समान सुखमय उस राम राज्य के दर्शन करने के लिए हम सब वानर भी बहुत उत्सुक हैं। प्रभु, सभी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी अयोध्या जाएंगे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। प्रभु, हर्ष से प्रफुल्लित आपकी सेना आपको राजा राम के रूप में देखने को उतावली हो रही है। मेरे वीर वानरों, आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मेरे हर सुख में भागीदार बनना आप सबका अधिकार बनता है। मुझे प्रसन्नता होगी जो आप सब मेरे सुखद क्षणों में उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के सूर्यास्त तक आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, क्या हुआ प्रभु? पुनः आप कुछ स्मरण करके चिंतित हो उठे? हनुमान, वनवास की अवधि में मात्र 2 ही दिन शेष रह गए। अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि सूर्योदय से पूर्व मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। हाँ प्रभु, ये तो बड़ा ही कठोर प्रण ले लिया था भरत भैया ने। हाँ हनुमान, वनवास के आरंभ में जब मैं चित्रकूट के कामतगिरी पर स्थित वन में निवास कर रहा था तो मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भरत मुझे अयोध्या वापस लेने के लिए आया था। जब तक आप अयोध्या का राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे आपका यह अनुज आपका भरत आपके चरणों में पड़ा रहेगा। भरत, तुम्हारे निश्चल प्यार का मैं अनादर नहीं करना चाहता, किंतु पिताश्री को दिए हुए वचन की अवहेलना भी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष पश्चात लौटकर अयोध्या का राजपद स्वीकार कर लूंगा, किंतु तब तक अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तो भैया, आपको भी मेरा एक निवेदन स्वीकार करना होगा। अगले 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं आपकी चरण पादुका ही विराजेगी। मान जाइए भैया।
ये क्या कर रहे हो भरत? भ्राता आप मेरे ज्येष्ठ हैं और एक अनुज का कल्याण बड़े भ्राता के चरणों में होता है। इस प्रकार से मुझे सदैव ये आभास होता रहेगा कि मेरे शीश पर आपकी छत्र छाया है। भैया, आपके प्रतीक रूप में ये चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। कुछ कहना चाहते हो भरत? भैया, आपके बिना एक एक क्षण मेरे लिए कठिन होगा, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप अयोध्या लौट आएंगे। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, ये मेरा प्रण है भैया। इसलिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान। मुझे शीघ्र अति शीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान, जिससे कि आज से तृतीय दिवस की प्रातः तक हम अयोध्या में हो। किंतु चिंता इस बात की है, इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा हनुमान? प्रभु, आपके सेवक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको और सब लोगों को लेकर शतानन लोक गया और फिर आया, इसी प्रकार मैं अपनी पूंछ पर सबको लेकर अयोध्या भी जा सकता हूँ। हनुमान, प्रभु, यदि पुष्पक विमान होता तो हम सब सहजता से अयोध्या पहुंच जाते, किंतु वो तो भ्राता कुबेर को वापस लौटा दिया गया है और हनुमान को पुनः कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वो क्या है? जो सदैव सीता की प्रिय बनी रहेंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों को मेरा नमन।
राम श्री राम 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 श्री राम 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 जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहां है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है जो कभी दिखाई देता है कभी लुप्त हो जाता है? सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम में से किसी के भी निकट आने का साहस नहीं कर सकते। हाँ प्रभु श्री राम, हनुमान का कथन सत्य है। हनुमान को पिशाचों पर विजय प्राप्त है। जहाँ हनुमान होंगे या इनका नाम होगा, वहाँ किसी को पिशाच बाधा कभी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा, और तुम सब इस पाप में भागीदार हो। तुम सब, और तुम सब इस महापाप के फल स्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे। ब्रह्म राक्षस।
और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा और हमारी ही तरह गति होगी, तुम सबकी हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी, रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था, इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही हूं। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, ये आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से स्वयं को मुक्त कर लें। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निश्चित ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम, भगवान शिव सर्व पातक हरता है, उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामन जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर जो ब्रह्म हत्या का दोष है उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं, तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना, भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे, मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए हैं, उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजाए। इतना सहज नहीं है हनुमान, मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामन जी। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामवन मामा, आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए, मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यहीं प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा, और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान
समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत भैया, किसी भी कारणवश यदि राम भैया को यहां तक पहुंचने में विलंब हो गया तो? वचन दिया है राम भैया ने मुझे, वो कदापि विलंब नहीं करेंगे। देखना शत्रुघ्न, परसों का सूर्योदय होने से पूर्व राम भैया यहां पर होंगे, और यदि विलंब हुआ तो मेरा प्राण पूर्ण होगा। मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभिमान अच्छा होता है, किंतु अभिमान अपने साथ घमंड को लेकर आता है। हनुमान भी मुझे घमंड के विकार से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। जितने भोले भाले हैं हनुमान, उतने ही श्रेष्ठ भक्त भी। ऐसे श्रेष्ठ भक्त का कैलाश पधारना, ये तो सौभाग्य की बात है। क्षमा करें माता, परंतु मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मेरे विचार से अब हनुमान भोले भाले और विनम्र नहीं रहे। 14 भुवनों को पार करने वाले हनुमान अब मुझे घमंड से ग्रसित लग रहे हैं। माता, प्रभु, ये हनुमान का घमंड ही है जो आपके पवित्र आत्मलिंग को वृक्ष पर लगा हुआ फल समझ रहे हैं, जिसे आकर वो तोड़ कर ले जाएंगे। आपके पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए वर्षों घोर तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो नंदी? प्रभु, मैं हनुमान की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तभी हनुमान आप तक पहुंच पाएंगे। हनुमान, तुम्हें तो बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी, तभी तुम देवेश्वर के दर्शन कर पाओगे। मेरे भोले बाबा के धाम कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कौन है जो भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र भूमि में पीड़ा से तड़प रहा है? ये कौन है? हाँ, इन्हें तो कुष्ठ रोग हुआ है। अच्छा हुआ जो आप आ गए, बहुत तीव्र प्यास लग रही है। कृपया शीघ्र जल प्रदान करने का कष्ट करें। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। हनुमान प्रभु श्री राम के प्रिय सेवक हो, इसीलिए इतना घमंड हो गया है तुम्हें कि एक कोढ़ी की सहायता किए बिना ही चल दिए। Oh.
ये लीजिए जल वृद्ध वर, मैं अपने हाथ से आपको जल पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे निकट मत आओ, मैं थोड़ी हूँ, मुझे स्पर्श करके तुम अपवित्र मत हो। आप भी हम सब की ही भांति भगवान की ही संतान हैं, और आप जैसे मनुष्य की सेवा तो भगवान की ही सेवा होती है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गुरुवर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, मुझे शीघ्र ही अपना कार्य भी संपन्न करना है। ये तो साधारण परीक्षा थी हनुमान, अभी तो तुम्हें कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ। ये तो मेरा कर्तव्य था वृद्धवर, अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु जाना है। आवश्यक कार्य? देखता हूँ तुम्हारे लिए वो आवश्यक कार्य महत्वपूर्ण है या फिर एक कोढ़ी की पीड़ा। ऐसा प्रण आपको नहीं लेना चाहिए था भरत भैया। राम भैया को वापस आने में किसी भी कारण से विलंब हो सकता है, कोई भी बाधा आ सकती है राम भैया को। भैया श्री राम लौट कर आ रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए चहू और मैंने अपने दूत भेजे हैं। उनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि भैया निकट ही हैं या नहीं। किंतु भैया, अभी तक हमें किसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मात्र डेढ़ दिन ही तो शेष हैं। वैसे भी राम भैया लौट कर आएंगे, भले ही विलम्ब से हैं, इसलिए आप अपना प्रण वापस ले लीजिए भैया। शत्रुघ्न, संसार यही मानता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत का वचन भी अडिग है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको? घाव बढ़ते ही जा रहे हैं, इन पर शीघ्र से शीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। उसी को प्राप्त करने हेतु कैलाश आया था, किंतु मेरी पीड़ा अब असहनीय हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय रहते मैं जड़ी बूटियों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। समय रहते आत्मलिंग लेकर नहीं पहुंचा तो मेरे प्रभु ब्रह्म दोष के पातक से मुक्त नहीं होंगे, और यदि इन वृद्ध वर की सहायता नहीं की तो परोपकार धर्म से विमुख होने का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? अब सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान की ये सेवा मात्र ढोंग थी या सत्य में ही परोपकार धर्म पर अडिग है हनुमान। जो व्यक्ति दुखी और जरूरतमंद की सहायता करते हैं वो सदैव सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।